नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। यूपी के हाथरस मामले में गोली मारकर हत्या करने के बाद मंगलवार को पिता की अर्थी को कंधा देती बेटी को देखकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। हाथरस के नवरोजपुर की घटना में बताया जा रहा है कि लड़की के पिता ने छेड़खानी की शिकायत की थी और आरोपियों ने केस वापस लेने को कहा था और ऐसा न करने पर सोमवार को 52 वर्षीय अमरीश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरीश शर्मा की हत्या खेत में काम करने के दौरान हुई, जब उनकी बेटी खाना लेकर पहुंची। उसी दौरान आरोपी गौरव अपने 6 साथियों के साथ वहां पहुंचा और गोली चला दी, जिसके बाद अमरीश को अस्पताल ले जाया गया जहां वह मृत घोषित कर दिए गए। पीड़ित परिवार ने साल 2018 में यह केस दायर किया था, जिसके बाद आरोपी 15 दिन जेल में बंद रहा और वापस आने के बाद छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी गलत गतिविधियों में लिप्त है और वह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जबकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामराज्य लाने वालों के राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सीएम बंगाल घूम रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। KYNPost.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।